तो कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। पोस्टमार्टम के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सभी शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा भी की गई। फैक्ट्री संचालक शाहिद अली और उसके दूसरे सहयोगियों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। कौशाम्बी में तेज धमाके के साथ जबरदस्त विस्फोट हुआ और फिर चीख पुकार मच गई। पुलिस वाले सब भाग गए। पोखराज थाना इलाके के भरवारी नगर पालिका परिषद में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ था। पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट इतना तगड़ा था कि फैक्ट्री मालिक समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है, वो पास के खेतों में काम कर रही थी। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि 8 लोग बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यह वही फैक्ट्री है जहां धमाके के बाद से यह फैक्ट्री पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। घटना करीब रविवार की सुबह 11:30 बजे के आसपास की है, जब यहां पर एक तेज धमाके के साथ आसमान में धुओं का गुब्बार दिखाई देता है। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाए, यहाँ इलाके में आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। 1 घंटे के बाद यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। हालांकि ऑपरेशन के दौरान भी यहाँ लगातार धमाके हो रहे थे और उस धमाके में इस फैक्ट्री का पूरा छत जमींदोज हो जाता है। पटाखा फैक्ट्री में 18 लोग पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। धुएं का गुब्बार और आग की लपटों को देखकर किसी की फैक्ट्री के भीतर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फैक्ट्री संचालक शहीद अली पर FIR दर्ज। पोखराज थाना इलाके में सरजू दास मोहल्ले का शहीद अली पटाखा फैक्ट्री को चलाता था। उसकी फैक्ट्री बस्ती से करीब 300 मीटर दूर खेतों में बनी हुई थी। पटाखा फैक्ट्री में आसपास के गरीब मजदूर काम करते थे। रोजाना की तरह रविवार को भी पटाखा बनाने का काम फैक्ट्री में चल रहा था। तभी सुबह 11:30 बजे अचानक फैक्ट्री में तेज आवाज के साथ धमाके होने लगे, जिससे आसपास के लोग दहल गए। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक गूंजी। फैक्ट्री में किस्मत से बची जान। फैक्ट्री से तेज धमाके के साथ आग की लपटें दिखने लगी। आसपास के लोग फैक्ट्री की तरफ दौड़े, लेकिन आग का विकराल रूप देखकर किसी की हिम्मत नजदीक जाने की नहीं हुई। इस भीषण हादसे में जो मजदूर बचा, वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। हम लोग पैक कर रहा हूँ माल पन्नी से, मालिक दोनों जो ना जंग लेता चला रहे हैं, तो हम सीरी खा रहे हो थोके निखर पड़ा। उतने में जंग लेता चिंगारी फेंक दी, साग पकड़ ली, अच्छा पलट के कनो निखर ना पाए। हम अंदर बढ़ावा है। अंदर कितने लोग थे? 16 आदमी। 16 आदमी थे। 16 आदमी में हम मतलब निखर पावा है। 5 घंटे चला राहत बचाव का काम।
ब्लास्ट की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी वो फौरन वहां पहुंच गई, लेकिन आग का विकराल रूप देखकर किसी की हिम्मत पास जाने की नहीं हो रही थी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। एम्बुलेंस की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों के शवों को निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे की सूचना के बाद तमाम आला अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। प्रयागराज जोन एडीजी और एडीजी भी पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। करीब 5 घंटे तक पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। विस्फोट से हिल गई घरों की दीवारें। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से आसपास के घरों में दरारें पड़ गई। इसके अलावा धमाके से फैक्ट्री की ईंटें 200 से 300 मीटर तक उड़कर बिखर गई। तीनों कमरा में रहा। लगभग कितना बोरा रहा होगा? अभी ना बताया। अब बोरा नहीं रहा, इसे खुलता ढेर रखा रहा था। अच्छा, कौन कौन से पटाखे अंदर बनते थे? पटाखा बना रहा, लमका बना रहा, छुटका बस दो पटाखा बनावा रहा। दो पटाखा बना रहा। अच्छा, कभी कोई पुलिस विभाग की टीम जांच करने आती थी यहाँ पे? बोलना सही, कभी नहीं आई हम लोग यहाँ पे। जाओ, पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से मरने वालों में शहीद अली 35 साल, शिव नारायण 40 साल, मंगला प्रसाद 18 साल, शिवकांत 21 साल, अशोक कुमार 55 साल, कल्लू उर्फ राजेंद्र 18 साल की मौके पर मौत हो गई। वहीं मोहल्ले की रेखा देवी जिनकी उम्र 30 साल थी अपने खेत में काम कर रही थी। धमाके के बाद फैक्ट्री की दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। तक शहीद अली का भाई कौसर अली, अशोक पटेल, निखिल कुमार, मुकेश कुमार, मुन्ना लाल, हीरा लाल, सोने लाल और राकेश कुमार घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अंतिम संस्कार। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मारे गए 7 लोगों के पोस्टमार्टम के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सभी शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद। कौशाम्बी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की घोषणा की गई है। घायलों का प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। फैक्ट्री संचालक शहीद अली पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बाकी सहयोगी के नाम भी शामिल है। हादसे की जाँच के लिए कमेटी गठित। पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में कौशाम्बी हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। अभी हम लोग इसकी विस्तृत जांच भी करने वाले हैं। ये कमेटी गठित है, उसकी विस्तृत जांच करेंगे। उसमें जो दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। और इसका लाइसेंस वैध था और वो 31 मार्च 2027 तक वैध था, इलीगल नहीं था और सेफ साइड में था। इसकी जांच भी होती रही है अलग अलग समय पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर जो जांच में कोई ऐसे तत्संज्ञान में आएंगे तो तदनुसार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, कौशाम्बी के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से आग लगी। फैक्ट्री मालिक के परिवार के साथ कई अन्य लोग घायल। लोगों की पड़ताल होने की घटना अति दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार पीड़ित परिवारों की यथासंभव मदद करे। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 जिलों की पुलिस और पीएसी गांव में तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।